रक्षाबंधन भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है। रक्षाबंधन के नाम में ही इस त्यौहार को मनाए जाने का वर्णन किया गया है, जिसका अर्थ है एक बंधन जो है रक्षा का। अर्थात इस त्यौहार के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम रक्षाबंधन से जुड़े हुए फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 10, रक्षाबंधन राखी के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9, रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 8, रक्षाबंधन सावन की आखिरी दिन होता है, इसी कारण से इसे श्रावणी या सलुनो भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 7, रक्षाबंधन हमारे देश भारत के अलावा नेपाल और मॉरिशस में भी मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, इस त्यौहार के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधकर उसकी लंबी आयु की कामना करते हैं, और भाई इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार देते हैं और साथ ही बहन की रक्षा का वचन भी देते हैं। फैक्ट नंबर 5, देश में कई जगह वृक्ष को और भगवान को भी राखी बांधने की परंपरा है, साथ ही साथ रक्षाबंधन को भारत की गुरु और शिष्य परंपरा का प्रतीक भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, रक्षाबंधन का त्यौहार महाराष्ट्र में नारियल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, राजस्थान में दिनराम राखी, चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने की रिवाज है। फैक्ट नंबर 2, इस दिन मराठी लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलकर समुद्र की पूजा करते हैं। फैक्ट नंबर 1, भारत सरकार का डाक विभाग इस दिन एक विशेष प्रकार का लिफाफा तैयार करता है, जिसका कीमत 10 रुपया होता है, जिसमें लोग जितना चाहे राखी भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।